दौसा से हमारे सहयोगी हैं वो हरिनारायण पांडे जुड़ चुके हैं। हरिनारायण, दौसा सीट पर ये जो कन्हैयालाल मीणा के साथ में हुआ है, चुनावी हार हुई है, उसका परिणाम इतना लंबा होगा, दूरगामी होगा, ये तो तय था अगर हार जीत की स्थितियों में, लेकिन इतना त्वरित होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। डॉक्टर किरणलाल मीणा का इस्तीफा हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, जो डॉक्टर किरणलाल मीणा है, दौसा लोकसभा जो सीट की जिम्मेदारी डॉक्टर किरणलाल मीणा को दी गई थी, और उन्होंने अपने जहां जहां इन्होंने प्रचार किया वहां सब जगह इन्होंने दोहराया है कि यदि दौसा लोकसभा सीट सहित अन्य लोकसभा सीट हम हार जाते हैं तो मैं नैतिकता के नाते अपना इस्तीफा दे दूंगा। इनका कहना ये था कि यहाँ 7 सीटों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री दौसा रोड शो के दौरान एडवोकेट किरणलाल मीणा को देके गए हैं। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने इस्तीफा कर दिया है, तो ये मतलब कथनी और करनी में फर्क नहीं होने वाली बात है। जैसा कि कल तक बीजेपी वाले और डॉक्टर किरणलाल मीणा भी कह रहे थे कि हमारी पार्टी में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। जी, अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन दौसा के अंदर हुआ क्या? मुरलीलाल मीणा, कन्हैयालाल मीणा, दोनों की हार जीत के पीछे के कारण क्या रहे? एचएन पांडे, किस रूप में आप देख रहे हैं दौसा में? देखिए, दौसा लोकसभा सीट पिछले 10 साल से भाजपा के कब्जे में थी, जिसके चलते भाजपा पूरी तरह आश्वस्त थी कि पिछली बार जब दौसा से लोकसभा से मुरलीलाल मीणा की पत्नी ने चुनाव लड़ा था तो उस समय भी कुछ कयास इसी तरीके लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव जीत रही है, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत है और दौसा से जसपुर मीणा सांसद बनी। अब की बार भी ये लोग इसी स्थिति में देख रहे थे कि हम लोग बीजेपी का टिकट ले आए हैं और लगभग हमारी चुनावी जीत तय है। इसी के चलते कुछ ना कुछ खामियां इस तरह की रही कि ये लोग अपने प्रचार को बड़े मजबूती से और अपनी बातों को जनता के सामने नहीं रखे। जी, इस वक्त तमाम जो व्यूअर हैं दौसा के और पूरे राजस्थान के और देश भर के जो पंजाब केसरी पर अपडेट ले रहे हैं, आपको बता दें डॉक्टर किरणलाल मीणा को लेकर नया अपडेट है, उन्होंने आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ट्विटर पर जो लिखा है 12:40 पर आज उन्होंने पोस्ट किया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वचन जो उनका था दौसा के अंदर चुनाव जितवाने को लेकर, अगर वो पूरा नहीं हो पाया है तो पांडे जी किस रूप में देख रहे हैं इस जो ट्विटर पर लिखा है उन्होंने? देखिए, अभी ट्विटर पे लिखा है भी जो आधिकारिक रूप, जैसे आप बताए आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि ट्विटर पे लिख के उन्होंने अपने आप को इस चीज को साबित कर दिया कि मैं अपनी नैतिकता के नाते जो हार की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूँ, और उन्होंने ट्विट भी कर दिया। अब ये सरकार को सोचने की बात है और ऊपर के स्तर पर बीजेपी को सोचने की बात है, क्या इनका इस्तीफा राजभवन तक पहुंच के मंजूर भी किया जाता है या नहीं। जी, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बात कर रहे थे कन्हैयालाल मीणा, उनकी जो परिस्थिति थी चुनावों के अंदर ही वो लग रहा था कि टफ फाइट है वो होगी, जिस रूप में मुरलीलाल मीणा ने वहाँ पर टाल ठोकी थी उसके बाद से, तो कन्हैयालाल मीणा को टिकट देना नहीं देना उसको लेकर भी बहुत उहापोह हुई, और लगभग मुझे लगता है कि आखिरी वक्त के अंदर कन्हैयालाल मीणा को लेकर फैसला हुआ, तो वहाँ पर कोई दूसरा दावेदार भी था क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? कन्हैयालाल मीणा इतने ज़रूरी क्यों थे वहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ कन्हैयालाल तो बिल्कुल अंतिम ऑप्शन माने गए थे, और अंतिम ऑप्शन भी नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कहें तो इनको तो घर से जगह के टिकट देके और चुनाव लोकसभा चुनाव लड़वा गया था, जबकि यहाँ से इनसे पूर्व बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से, जैसे अजय मीणा है बस्ती से और डॉक्टर किरणलाल मीणा के भाई है, इन्होंने भी यहाँ से टिकट की मांग की थी। इनके अलावा जो रिटायर्ड पर्सन है जो PWD से, सॉरी आवासन मंडल से ऐसे रिटायर हुए हैं, उनका भी यहाँ से टिकट मांगने का लगातार सिलसिला विधानसभा से जारी है। लेकिन ये भी सबके बीच में एक नई कहानी जब पसरे, अलग अलग समाज एक ही समाज से पढ़ते हुए दिखे, तो पार्टी ने इन सबसे दूरियां बना के और एक नए चेहरे पे विश्वास किया, जिसके चलते बस्ती से डॉक्टर किरणलाल मीणा को के भाई को टिकट नहीं मिलकर और कन्हैयालाल को टिकट दिया गया है, और इन्हीं पे इन्होंने पूरा विश्वास जता के दूसरे से लोकसभा चुनाव लड़वाया। और मुरलीलाल मीणा की चुनावी रणनीति के ऊपर अगर बात करें दौसा के अंदर, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सीट है दौसा के अंदर, कन्हैयालाल मीणा अगर चुनाव हारे हैं और मुरलीलाल मीणा चुनाव जीते हैं, तो जीत की रणनीति किस रूप में वहां पर कारगर रही है, किस रूप में पूरी इक्वेशन है वो बैठी है, और क्या इस जीत का क्रेडिट है वो सचिन पायलट को जाएगा? देखिए, जीतने से पहले हमारे जैसे कल डॉक्टर किरणलाल मीणा से बात हुई, दौसा लोकसभा के लिए खुद कांग्रेस कैंडिडेट मुरलीलाल से बात हुई, तो मुरलीलाल जी का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमने जो चुनाव लड़ा है
बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, आरक्षण के खत्म करने को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। जनता ने हमारी भावनाओं को समझाया और उसी के चलते हमें जनता ने वोट दिया। इस बात का मुरारीलाल मीना पिछले लंबे समय से चुनाव होने के बाद से जिक्र करते आ रहे हैं कि मेरी जीत 1 लाख से ऊपर होगी, जो अब लगभग 2 लाख के आसपास जाती नजर आ रही है।